हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर ब्रो यश अनन बैक ऑन यूट्यूब विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, आर एग्स सेफ? कितने अंडे खाना सेफ है या सेफ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम ज़्यादा अंडे खाएँ या कम अंडे खाएँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं पूरी डिटेलिंग इसमें बताने वाला हूँ आपको इस बारे में। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एग्स के अंदर क्या अच्छी चीज़ें होती हैं और क्या बुरी चीज़ें होती हैं जो अपन को नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोटीन कंटेंट। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है 4 to 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एग। तो इतने ग्राम का प्रोटीन एक एग के अंदर होता है जनरली। तो इस एग के अंदर अपन को पूरा खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है? तो एग्स जितने भी जिम गोअर्स होते हैं वो सारे के सारे एग्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी प्रोटीन अवेलेबिलिटी वाला सोर्स ऑफ फूड है, जिससे अच्छी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रोटीन आपको इतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड कराए विथ लो कॉस्ट। तो इसके अंदर ये फ़ायदा रहता है, अपन को बहुत सस्ता रहता है और साथ ही में ये एक सुपर फूड है जिसके अंदर प्रोटीन इतना कंटेंट अच्छा रहता है। इसमें बस दो चीज़ें होती है, प्रोटीन और फैट। प्रोटीन इसका वाइटर जो वाइट कलर का जो एरिया होता है वो प्रोटीन होता है, और येलो कलर का जो होता है बेसिकली फैट होता है। वो जो येलो कलर का एरिया होता है उसके अंदर और भी कई मिनरल्स और विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन डी, सिलेनियम, विटामिन B12 या बायोटिन जिसको अपन बोलते हैं, जो कि हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो सारे के सारे, फॉर एग्जांपल जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये आयरन हो गया, ये सब कुछ इसके अंदर येलो पार्ट में इसके होते हैं। और इसके साथ ही बहुत लोग ये सोचते हैं कि पूरा प्रोटीन अपन अगर खाते हैं तो उससे अपन को नुकसान होता है, पूरा एक खाने से अपन को नुकसान होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 to 3 एग्स अगर अपन डेली कंप्लीट एग्स खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग वाइट्स के अंदर कोई इशू नहीं है, अपन 10 खाएं, 20 खाएं, 30 खाएं। बस बात उस बात पे आ जाती है आके कि अपन इतना ज़्यादा प्रोटीन खाने का मतलब है या नहीं है। तो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से प्रोटीन खाते हैं। जितना प्रोटीन खाना है आपको खा सकते हैं, अपन एग वाइट स्पेशली अपन कितने भी खा सकते हैं, 2 to 3 येलो कंप्लीट होल एग खा सकते हैं और बाकी का एग वाइट्स खाना इंपॉर्टेंट है। तो एग वाइट्स कितने भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मिथ है, लोगों ने बना रखा है कि एग खाने से गर्मी होती है, ये होता है, वो होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अगर आप येलो पार्ट ज़्यादा खाते हैं। 2 to 3 एग्स के खाइए, बाकी फेंक दीजिए, इतना काम का है, बाकी वेस्ट। तो एक टाइम पे 8 to 10 एग्स खाना कम्प्लीटली नॉर्मल है, इतने एग्स अपन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से 2 to 3 एग्स के अपन कम्प्लीट होल एग खा रहे हैं, बाकी के सिर्फ एग वाइट्स खा रहे हैं, वो बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ है। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जितना अपन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन जितना प्रोटीन खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रोटीन खाना चाहिए। ज़्यादा 10-20 खाते हैं अपन, 10 से एक्सट्रीट करते हैं और अपनी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो इतना खाने का मतलब नहीं है। इसकी सर्विंग डिवाइड कर सकते हैं अपन पूरे दिन के अंदर, कितना अपन को लेना है। तो गाइस, ये बात बहुत कॉमन है जो जनरली लोग समझते हैं, जिम गोअर्स जो होते हैं, जो नहीं समझते उनको मैं बताना चाहता हूँ। एग्स के अंदर 4 ग्राम प्रोटीन अगर अपन मान के चलते हैं तो एटलीस्ट अपन को 6 एग्स होल एग, 2 to 3 होल एग और बाकी के टोटल मिला के, मतलब टोटल अपन को 6 एग्स खाने पड़ेंगे, 6 एग वाइट्स खाने पड़ेंगे, जब जाके एक स्कूप ऑफ प्रोटीन बनता है, यानी 24 ग्राम्स प्रोटीन जो अपन को मिलता है। और एग के अंदर अपन खाते हैं तो 4 into 6 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपन को इसके अंदर 6 खाने पड़ेंगे। तो एक एग के अंदर इतना प्रोटीन नहीं होता, अपन को टोटल 6 एग्स जब अपन खाते हैं उसके बाद में जाके अपन स्कूप ऑफ प्रोटीन बनता है। तो ये डिफरेंस रहता है, इसकी प्रोटीन अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक वे प्रोटीन की होती है, तभी लोग उसको प्रेफर करते हैं। सेकंड नंबर पे 100% ये आता है, एग से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है प्रोटीन अगर आपको कंजप्शन करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप वेजिटेरियन है तो भी जनरली कुछ लोग ये खाते हैं, तो इससे अच्छा कोई प्रोटीन सोर्स नहीं है अगर आप वेजिटेरियन भी हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो ये बहुत ही हेल्दी है, सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ जो आप मार्केट में ढूंढ सकते हो वो ये है। इसमें प्रोटीन है जो कि आपके मसल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही इसमें बायोटिन है जो कि आपके हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, साथ में इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और मिनरल्स जैसा कि मैंने बताया आपको, जिंक, कॉपर, विटामिन डी, विटामिन बी, B6, B12, काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स हैं इसके लिए अंदर। सिलेनियम है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं अपने,
तो ये सारी चीज़ों के साथ ये बहुत ही अच्छा है अपनी हार्ट हेल्थ के लिए। अगर अपन 2-3 योग्स खा रहे हैं, उसके गोले खा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है अपनी हार्ट हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है अपनी सेहत के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अपने को बहुत हेल्प करती है। साथ ही मैं बात करना चाहता हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में, तो गाइस इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं अगर अपन इसको लिमिट में खा रहे हैं। फूड कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, अपन कितना भी खा रहे हो, आप एक्सेस में खाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, बट कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका, और आज तक तो कोई नोट हुआ नहीं है, आगे हो तो पता नहीं। बट ये था मेरा इसका एग्स की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन ऑन योर स्क्रीन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय। Jumping out the whip, shit cold. Watching my step, ground froze. Most my day spent alone. Same with my bro, he knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you could check my shoes.